नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया मेरा नाम है। हम एंगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं। आपने पहले पार्ट में सीखा गुस्सा क्या है, गुस्से से हमें कितना नुकसान होता है, और एक्सप्रेस एंगर एंड सप्रेस एंगर, दो टाइप के एंगर होते हैं। एक्सप्रेस यानी आपने गुस्सा दिखा दिया, लोगों के ऊपर निकाल दिया, उसको एक्सप्रेस एंगर कहते हैं। एक होता है सप्रेस एंगर, आपने बाहर नहीं निकाला, अंदर रहा, दोनों का नुकसान है। दूसरी बात है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को भी नुकसान होता है, हमें तो नुकसान होता ही है, इसको कहते हैं एंगर विक्टिम। और हमें ये देखना है कि हमें ये सब नुकसान नहीं करना है, हमें गुस्से को मैनेज करना है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ गुस्सा कंट्रोल करें, कंट्रोल होता ही नहीं, क्योंकि एक हाई पावर एनर्जी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मैनेज करो। यानी हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कब गुस्सा करना है, कैसे करना है, किसके ऊपर करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन से समय पे करना है, ये सब चीज़ हमें मैनेज करना सीखना है। बस यही तो हमने सीखना है। अब हम सीखेंगे कि गुस्से को कैसे मैनेज करें। दोस्तों इसको हम तीन पार्ट में देखेंगे। एक तो गुस्सा आने के पहले ही, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं, कोई बीमारी आने के पहले जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं कि प्रिवेंशन, यानी टीका लेते हैं जो भी होता है। एक होता है जब गुस्सा आता है तब, यानी जब बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करते हैं, जब गुस्सा चालू है तब क्या करना है, और तीसरा है गुस्सा चले जाने के बाद क्या करना है आफ्टर द एपिसोड इज़ ओवर। दोस्तों ये तीनों लेवल पे हम देखेंगे गुस्से को कैसे मैनेज करना है। तो तैयार हो जाइए, पहले क्या करना है, गुस्सा आने के पहले हमें क्या करना है ये देखना है। सबसे पहले तो हमें गुस्से को समझना पड़ेगा। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जितना अंदर का दुश्मन बिगाड़ सकता है, और ये गुस्सा आपका अंदर बैठा हुआ दुश्मन है। उसके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे ना, इतना आसान हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो आपको अपने गुस्से को जानना पड़ेगा कि गुस्सा कितना आता है, कितनी मात्रा में आता है, और कब आता है मुझे, और आता है तो मैं क्या नुकसान कर देता हूँ, उसके बाद मेरी क्या हालत होती है, सामने वाले की क्या हालत होती है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और ख़ास तो ये समझना पड़ेगा कि आज तक आपने गुस्से वाली ज़िंदगी जी है तो आपने अपना और सामने वाला का कितना नुकसान किया है। आपको शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि कितना आपने नुकसान किया है। चलिए आँख बंद करके सोचिए, अभी तक गुस्से में आपने कितना नुकसान किया है अपना। कुछ लोग गुस्से में हाथ के ऊपर मार के हाथ तोड़ देते हैं, कुछ लोग कांच तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, कुछ लोग सामने वाले को मार देते हैं। आपने भी किया होगा, गुस्से का प्रॉब्लम होगा तो सामने वाले को मार दिया होगा। मुझे याद है, मैं जब गुस्से का प्रॉब्लम मेरा था, जब मैं मैनेज करना नहीं सीखा था, मैं एक आदमी का हाथ पांव तोड़ दिया था, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, फ्रैक्चर हो गया था, गुस्से से मैंने डैमेज किया था, अभी भी मुझे वो सीन याद है। तो हम या हमारा या दूसरे का नुकसान करते हैं या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान करता है। तो आज शांति का दिन है, आज आराम से बैठ के आँखें बंद करके याद करिए कि आपने अभी तक कितना नुकसान किया है, खुद का, सामने वाले का जिसके ऊपर आपने गुस्सा किया, और ओवरऑल प्रॉपर्टी का कितना नुकसान किया है। उसमें ये भी सोच लीजिए कि आपने कितनी मन की शांति गुमाई है, ये भी तो आपका नुकसान है, क्योंकि हम सुख शांति के लिए सब कुछ करते हैं, उसके लिए जीते हैं, और गुस्से के बाद तो हमारी शांति चली जाती है। तो आपको अपने डैमेज के बारे में पूरा ज्ञान लेना है। दूसरी बात है दोस्तों, गुस्सा विदाउट ट्रिगर नहीं आता है। जैसे ट्रिगर मालूम है ना, बंदूक में होता है, जैसे चलाने से गोली छूटती है, गुस्सा बिना ट्रिगर का नहीं होता है, कोई ना कोई ट्रिगर रहता है। तो आपको क्या करना है, वो ट्रिगर को पहचानना है। मुझे याद है मेरे फादर को गुस्सा आता था, मेरी एक ही बात पे आता था, मैं सुबह जल्दी उठ के नहाता नहीं था, मुझे जल्दी नहाने की आदत नहीं थी, तो मेरे फादर को इस बात पे गुस्सा आता था, उनके लिए वो ट्रिगर था। जैसे ही मुझे मिले वो पहले ही पूछते थे, तू ना लिया, अगर मेरा ना है तो उनका ट्रिगर चालू हो जाता था, धाड़ 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 गोलियाँ निकलना शुरू हो जाती थी। अगर मैं बोलता हाँ मैंने ना लिया है, कभी कभी झूठ में बोल देता था, मगर कभी पकड़ा भी जाता था कि ये झूठ है, क्योंकि उंगलियाँ देख के पता चलता है कि मैं नहाया था कि नहीं ऐसा। तो दोस्तों इसको कहते हैं ट्रिगर। कभी आपको ऐसा ट्रिगर मिला होगा, कोई झूठ बोले ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई सोप करे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप ऐसे बोलते होंगे, इसको कहते हैं ट्रिगर दोस्तों। कोई मुझे गाली दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, यानी गाली आपके लिए ट्रिगर हो गया। तो आपको क्या करना है, एक बार शांति से बैठ के ये सोचना है कि मुझे कौन से ट्रिगर पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो ट्रिगर के ऊपर आपको काम करना है। अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि ट्रिगर के ऊपर कैसे काम करना है, मगर आपको ट्रिगर पहले पहचानना तो पड़ेगा दोस्तों। तीसरी बात है, मैंने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में सिखाया है कि हमारी एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, जैसे फिल्मों की पटकथा रहती है, ऐसे हमारे जीवन की पटकथा होती है, जिसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्क्रिप्ट में लिखा रहता है कि आदमी गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा।
कितनी मात्रा में करेगा, कब करेगा, किसके ऊपर करेगा, कौन से कारण से करेगा, कितना डैमेज करेगा, ये सब यहाँ लिखा रहता है हमारी स्क्रिप्ट में। बस हमें तो स्क्रिप्ट में हमारा जो रोल है वही करना है। अभी आपको क्या करना है कि अपनी स्क्रिप्ट को पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस सीखना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर मैंने बताया है कि हमारी स्क्रिप्ट को कैसे पहचाने और कैसे उसको बदले। तो दोस्तों आपको अपनी स्क्रिप्ट जाननी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए सब लोग यही बोलते हैं कि मेरा तो ये नेचर है, मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, प्राण और प्रकृति साथ में ही जाती है, ऐसा गुजराती में कहते हैं। प्रकृति यानी हमारा नेचर, हम जो बिहेवियर है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके गुलाम हैं, ये नेचर यानी स्क्रिप्टिंग हमारा। तो हम जब तक ये स्क्रिप्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको बदल नहीं सकते दोस्तों। ये स्क्रिप्टिंग होता है, तो हमें ये स्क्रिप्ट को पहचानना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको अपना एंगर को मेजर करना पड़ेगा। एंगर क्वोशेंट करके आता है, आप कितनी मात्रा में एंग्री होते हैं, ऐसा रुद्र रूप धारण करके वो तांडव नृत्य करते हैं क्या, इतना करते हैं, या थोड़ी देर अपसेट होकर शांत हो जाते हैं, आपको ये देखना है। आप इतना गुस्सा करते हैं कि सामने वाले को मार भी देते हैं, या बस गुस्सा थोड़ा सा करके चुप हो जाते हैं। तो आपको अपना मेजर करना है कि आपका एंगर कितने मात्रा में आता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका दुश्मन है। दुश्मन को जितना अच्छी तरह से पहचानोगे उतना आप समझ पाओगे उसको कैसे मैनेज करना है दोस्तों। तो आपने अपने एंगर को जान लिया, दुश्मन को पहचान लिया, अब हमें क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है, ताला खोलना है। ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैंने ये नहीं सुना है कि ये तो मेरा नेचर है, मैं क्या करूँ, ये तो बदल नहीं सकता, ये तो बदलने वाला नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना है मगर हो जाता है, और मैंने कोशिश किया फिर भी हो जाता है रोकने की। यानी कि हम यहाँ ताला मार के रखते हैं कि ये गुस्से वाला स्वभाव हमारा जाएगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं एक था जो बहुत एंग्री यंग मैन था, अभी मैं बिल्कुल किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ, कोई भी गुस्सा आता है तो मैं हंस के उससे बात करता हूँ, ये मैंने सीख लिया है दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपको यह ताला खोल देना है कि मेरा गुस्सा कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मेरा नेचर कभी चेंज नहीं होगा, ये आपने खुद ने लगाया हुआ लॉक है। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मैं जो बहुत गुस्से वाले थे और आज बहुत शांत हो चुके हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको गुस्से को कैसे मैनेज करना है। तो आपको ये ताला खोलना है, ओपन योर लॉक। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि इनफ इज इनफ, अभी मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, अभी मुझे मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे बिजनेस का नुकसान नहीं करना है, मेरी हेल्थ का नुकसान नहीं करना है। आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सीखता हूँ और मैं अपने ऊपर प्रैक्टिस करूँगा, और जिस दिन सीख जाऊँगा उस दिन से मैं जान लूँगा कि मुझे गुस्से को कैसे मैनेज करना है। तो आज ये डिसाइड करिए कि अभी तक जो आपका अनकंट्रोल्ड गुस्सा होता था उसको आप इतना अच्छी तरह से मैनेज करोगे कि विदाउट डैमेजिंग योर सेल्फ और अदर पीपल और दी प्रॉपर्टी यू कैन मैनेज द पर्सन। ये आपको सीखना है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा देखा गया है कि जिनका गुस्से वाला स्वभाव होता है वो दूसरे की बातें सुन नहीं सकते, उनका धीरज नहीं रहता है सामने वाले को सुनने का। जैसे ही सामने वाले ने एक लाइन बोला वो आगे की लाइन बोलने ही नहीं देता, अपना गुस्सा चालू कर देता है, बंदूक की गोली स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आज से ही प्रैक्टिस करनी है अच्छा लिसनर बनने की। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं बन जाओगे हाँ कल से मैं सबकी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं है। रोज़ डिसाइड करिए सुबह उठ के कि आज जो भी मिलेगा उसको मैं ध्यान से सुनूंगा, मेरा कुछ भी ओपिनियन नहीं दूंगा, और डेली शाम को स्टॉक लेके किसको मिले और आपने उसकी कितनी बात सुनी। जितना ज़्यादा सामने वाले को सुनने की कोशिश करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, इतना आपका लिसनिंग का एबिलिटी बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा अगर आप दूसरे को सुनने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे आपका गुस्से का प्रमाण कम होता जाएगा। ठीक है, तब आता है जब हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है, समझते नहीं, और अपना ओपिनियन के हिसाब से उसके ऊपर गुस्सा स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है अच्छा लिसनर बनने की। दूसरा, जैसे मैंने कहा, चेंज योर स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट चेंज करने का तो आखा पूरा सब्जेक्ट ही है जो मैंने टीए में सिखाया है। इट इज़ पॉसिबल, हमारी जो पटकथा लिखी गई है उसको हमें बदलनी है। एक और करना है आपको, देखिए जो गुस्से वाले नेचर वाले रहते हैं ना, उनका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी, हमारा ये जो दिमाग है ना वो एक बिजली का मशीन है, बिजली का तरंग पैदा होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है गुस्से वाले का। तो हमें क्या करना है, उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग नीचे लाना है। नीचे लाने का एक ही तरीका है, रिलैक्सेशन। रेगुलर अगर आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका ये फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा।
उसके लिए दोस्तों मेरी रिलैक्सेशन की सीडी है, वो सुन के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप दोस्तों, मगर करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन करोगे ना, उतना आपका ये फ्रीक्वेंसी डाउन होगा और आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकोगे, आराम से कर सकोगे। और चीज़ करनी है दोस्तों, माफ़ करने का इम्पोर्टेंस समझना है, फॉरगिव करने का। हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि हर इंसान की गलती को हम माफ़ नहीं करते, बस सीधा गुस्से से ही हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों गलतियों के बहुत टाइप होती है, मिस्टेक बाय हार्ट एंड मिस्टेक बाय माइंड। मिस्टेक बाय हार्ट है उसको माफ़ नहीं कर सकते, मिस्टेक बाय माइंड होती है उसको माफ़ कर सकते हैं। और माफ़ करने के कितने फ़ायदे हैं वो मेरे माइंड पावर वर्कशॉप में जाके देख लीजिए, उसके अंदर मैंने बताया है कि फॉरगिवनेस के कितने फ़ायदे हैं। बी के शिवानी हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे, वो तो फॉरगिवनेस के ऊपर कितना अच्छा समझाती है। तो आपको क्या करना है, अगर गुस्से को मैनेज करने की प्रैक्टिस करनी है तो फॉरगिवनेस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर इंसान को ऐसा मत समझो कि वो इंटेलिजेंट और वेल बिहेव्ड रहेगा, भगवान ने हर टाइप के इंसान बनाए हैं। और कोई भी इंसान का गलत बिहेवियर है तो भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, उनकी ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके ऊपर गुस्सा करके आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना और उसका नुकसान कर सकते हैं। फॉरगिव करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए दोस्तों। कैसे फॉरगिव करना है ये सब मेरे माइंड पावर के वर्कशॉप में है, कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल पे आपको माफ़ करना है। माफ़ तो कर दिया मगर भूलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ रहेगा तो सप्रेस एंगर के रूप में रहेगा, और सप्रेस एंगर इज़ मोर डेंजरस देन एक्सप्रेस एंगर। एक बार गुस्सा निकल गया तो मन शांत हो जाएगा, मगर निकला ही नहीं है, अंदर भरा हुआ है, तो वो सप्रेस एंगर के रूप में जाएगा जो आपको नुकसान करेगा। तो आपको भूलना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे नहीं ये तो मुश्किल है, वो तो गाना मुझे याद आता है, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं दोस्तों। हाँ, ऐसे इंसिडेंट से जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आया था, आप भूलने की कोशिश करते हो फिर भी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपका कोशिश करने का तरीका ही गलत था। उसके लिए एक NLP की टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, हाउ टू फॉरगेट एनी इंसिडेंट जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो जैसे इंसिडेंट याद आएगा तो आपका यहाँ फिर से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ जाएगा। तो आपको भूलना भी सीखना पड़ेगा दोस्तों, और एक्सेप्ट द पर्सन, उसका स्वीकार करो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है हम हमारे नज़दीक वाले लोगों के ऊपर ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फैमिली में वाइफ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, बच्चे के ऊपर, अपने एम्प्लॉय के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर। तो जब हम बार बार गुस्सा करेंगे तो हम उसको एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते हैं, मगर एक बार एज इट इज़ उनके प्लस माइनस पॉइंट के साथ हमने उनको एज ए हमारा फैमिली मेम्बर का स्वीकार कर दिया, फिर गुस्सा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम उनकी कमियों को बिल्कुल स्वीकारते नहीं हैं। दोस्तों हर इंसान में कमियां भी रहती है, खूबियां भी रहती है, हर इंसान को हमें एज ए पैकेट डील स्वीकार करना चाहिए खूबियां और खामियों के साथ। तो आपको क्या करना है, अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना है, स्वीकार करने की क्षमता आपकी बढ़ानी है। दूसरी बात है, हर गुस्से के एपिसोड को याद करिए, अभी तक जितने हुए हैं, और उसमें से आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ज़्यादातर लोग जो रिपीटेडली गुस्सा करते हैं ना वो कुछ सीखते ही नहीं है। उसने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को मार दिया, बाद में सॉरी बोल दिया, बाद में जैसे थे भूल जाते, कुछ सीखता ही नहीं है। सीखना चाहिए कि ये मैंने गुस्सा किया उससे कितना डैमेज किया, मैं नहीं करता तो क्या होता था, और मैं ऐसे मैनेज करता तो कैसे होता था। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हर गुस्से के इंसिडेंट से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कभी आपने नहीं सीखा होगा, आज के बाद उसको सीखना शुरू करिए। और एक बात है दोस्तों, हमारा जो सोचने का थिंकिंग एंड फीलिंग कहाँ से आती है मालूम है, हमारी मान्यता में से आती है, बिलीफ में से आती है, और कुछ बिलीफ ऐसी रहती है जो हमारे गुस्से को बढ़ावा देती है, और कुछ बिलीफ ऐसी होती है जो गुस्से को मैनेज करने में हेल्प करती है। एक्चुअली व्हाट इज़ बिलीफ, बिलीफ इज़ एन आइडिया और थॉट विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ, इज़ अ बिलीफ। कोई भी विचार को जब हम सत्य करके स्वीकार लेते हैं तो हमारी मान्यता बन जाती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी बिलीफ ऐसी है जो हमारा गुस्सा बढ़ाने में काम करती है, कौन सी मान्यता ऐसी है जो हमें गुस्से को मैनेज करने में हेल्प करती है, दोनों हम देखते जाएंगे। पहली मान्यता है कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ। दोस्तों जब आपकी मान्यता ऐसी है कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ और आप दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा मालूम है, वो सामने वाला तो बदलने वाला नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा। ये मान्यता को चेंज कर दो, मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ। दोस्तों मैंने लाइफ में कुछ लेसन सीखे हैं ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये भी सीखा है, इस दुनिया में एक ही आदमी को बदलने की ज़रूरत है, खुद को। दूसरा, आप एक ही आदमी को बदल सकते हैं,
खुद को और किसी को नहीं। दोस्तों ये मान्यता अगर है कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ तो आज ही आपको बदलनी पड़ेगी, निकाल दीजिए, आप किसी और को नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों दूसरी बिलीफ ऐसी रहती है कि मेरा तो ये नेचर है, मैं कैसे बदलूँ, मेरा नेचर कभी बदल ही नहीं सकता है। दोस्तों ये मान्यता भी गलत है। आपके सामने जो बैठा है, जो बोल रहा है ना, ये इंसान भी एक ज़माने में बहुत गुस्से वाला था। मैंने मेरा और सामने वाले का बहुत अभी तक नुकसान किया है, मुझे याद है सब कुछ, और मेरा नेचर चेंज हो गया। मैं हर बात पे लड़ पड़ता था, मारामारी पे आ जाता था। मैं डॉक्टर बन गया तब तक मैं मारामारी किया है मैंने, और आज कितने साल हो गए मुझे कभी ऐसा गुस्सा आया ही नहीं जो पहले किया करता था। दोस्तों आप अपना नेचर बदल सकते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सीखेंगे तो उसमें स्क्रिप्ट बदलने का सीखेंगे तो आप अपना नेचर बदल सकते हैं। यस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में मैं एक और मान्यता की बात करता हूँ जो खुद के बारे में और दूसरे के बारे में होती है, जिसको हम लाइफ पोजिशन कहते हैं। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, एक मान्यता बन जाती है। आई एम यानी मैं अच्छा हूँ मगर बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, तो मैं सबको बदलने की कोशिश करूँगा, सबको सजा करूँगा, सबको कंट्रोल करूँगा। ये मान्यता हमेशा आपको गुस्से वाले बना के रखते हैं। आपकी मान्यता कैसे होनी चाहिए? आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूँ, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं। इसको TA की भाषा में लाइफ पोजिशन कहते हैं। आपको क्या करना है? अपनी लाइफ पोजिशन कर देनी है आई एम ओके, यू आर ओके। कभी कभी आपके ऐसे मान्यता रहते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको गुस्सा नहीं किया तो काम होता ही नहीं है। जरूरी है ऐसा? आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? कभी देखा मनमोहन सिंह को गुस्से में? 10 साल हिंदुस्तान का ऊपर राज किया। हम अपनी फैमिली चलाने में दिन में 10 बार गुस्से करते हैं, जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को संभाला 10 साल तक और कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया और हिंदुस्तान अच्छी तरह चल रहा था। अभी मोदी साहब को देखिए, कभी मोदी साहब को गुस्से में देखा है? मैं तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ उनको, कभी भी उसको गुस्से हुए नहीं देखा मैंने। उनके बारे में नज़दीक के लोग, मेरे साथी है, मेरे रिलेटिव्स है, बोलते मोदी साहब कभी गुस्से होते ही नहीं और हिंदुस्तान कितना अच्छा चल रहा है। तो आपके मान्यता ऐसे है कि कुछ लोगों को गुस्सा करने से ही काम करते हैं, वो गलत है। मोदी साहब हिंदुस्तान चला रहे हैं किसी के ऊपर गुस्से किए बिना। दोस्तों एक मान्यता और बन जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको तो मारना ही पड़ता है। ऐसा क्या आपको कोई मारेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, आप अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे? तो दूसरे लोगों का भी वही है दोस्तों। ये सब मान्यता आपके ऐसे है जो आपको गुस्से करने में मदद करती है। आपको क्या करना है? अपनी एक एक मान्यता, इसमें से कोई भी मान्यता है तो बदलनी है। कैसे बदलनी है? मेरे माइंड पावर वर्कशॉप के अंदर है। बिलीफ इज अ रॉन्ग प्रोग्रामिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाता है और वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारी बिलीफ बन जाती है, तो हमें वो बिलीफ जाके चेंज करनी है दोस्तों। तो अगर आप अपनी बिलीफ चेंज करोगे, जो आपको गुस्सा करवाने में ज़्यादा ये करती थी, एक्साइट करती थी, और उसको शांत करने वाली बिलीफ लाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा दोस्तों। फिर एक होता है, अपने ट्रिगर के बारे में मैंने बताया कि कुछ ट्रिगर के ऊपर ही आपको गुस्सा आता है, बाकी गुस्सा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? सिचुएशन स्पेसिफिक विजुलाइजेशन करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे फादर को मेरे ऊपर गुस्सा आता था, मैं सुबह जल्दी उठ के नहाता नहीं था, तो अगर उनको गुस्सा मैनेज करना है तो क्या करेंगे? वो आँख बंद करके विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज यानी कल्पना करेंगे कि मैं आज सुबह उठ के मेरे बेटे को पूछ रहा हूँ तू नहाया, और वो बोलता नहीं नहाया, और फिर भी मैं उसको प्यार से समझा रहा हूँ, उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मगर प्यार से समझा रहा हूँ। ऐसा अगर वो विजुलाइज करते थे तो उनको ये सिचुएशन के ऊपर जो गुस्सा बार बार आता था वो नहीं आता था। वैसे आपका भी होगा, आपको कोई पर्टिकुलर बात पे, यार आपका बेटा झूठ बोल रहा है या वाइफ झूठ बोल रही है या हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो आपको क्या करना है? आँख बंद करके ऐसी कल्पना करनी है कि आपका बेटा, बेटी, वाइफ या हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं और फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रहे, उसको प्यार से समझा रहे हो। इसको बोलते हैं सिचुएशन स्पेसिफिक विजुलाइजेशन। ये विजुलाइजेशन से क्या होता है? यहाँ जो प्रोग्राम पड़ा होता है, सेटिंग पड़ा होता है, वो चेंज हो जाता है। विजुलाइजेशन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अवर माइंड, अवर माइंड इज़ अ कंप्यूटर। तो ये विजुलाइजेशन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। NLP में एक टाइमलाइन थेरेपी होती है। टाइमलाइन थेरेपी यानी क्या? आप जिस दिन पैदा हुए तब आपने गुस्सा नहीं किया होगा, उसके बाद शायद बहुत साल तक गुस्सा नहीं किया होगा, बाद में कभी कहीं से आपने पिकअप कर लिया, सीख लिया, अरे यार ये सिचुएशन में तो गुस्सा करना अच्छा है, काम हो जाता है। तो जब आपने पहला गुस्सा लाइफ में किया था और अभी तक कर रहे हैं, वो टाइमलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं आप। यानी कि आपको एक विजुलाइजेशन एक्सरसाइज होती है, आंखें बंद करके
आपको वो समय पे जाना है जब आपने पहली बार गुस्सा किया था, उसके पहले के समय में जाना है, और वो समय को अभी पीछे पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, जो कंप्यूटर में होता है ना ऐसा कॉपी पेस्ट करना है। एक टाइमलाइन थेरेपी होती है, और बीच का जो पीरियड है जो गुस्से वाला, उसको कट करके साइड में रख देना है। तो टाइमलाइन थेरेपी उसके लिए बहुत काम आती है। दोस्तों एक है चेक एंड चेंज। आपको क्या करना है कि अपने हर चीज़ को, हर बिहेवियर को, हर एक्शन को, हर बिलीफ को चेक करते जाना है और चेंज करते जाना है। मैं ऐसा ही करता था अपने आप को। मैं हमेशा ये देखता था कि मेरे में क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने में रोकेगा। मेरा गुस्से वाला नेचर एक तो था, मेरा हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं इंटेलिजेंट इतना नहीं था, मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं आता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता था, मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना और मेंटेन करना नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, लिस्ट बनाया करता था कि मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। जैसे मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मैं बम्बई रहता था, बम्बई में एक टॉप जो पब्लिक स्पीकिंग का क्लास था वहाँ मैंने फीस भरा और जाके मैंने सीखा। वहाँ का जो तलवार कर करके जिम जो बहुत फेमस थे, वहाँ तलवार कर जिम में जाके मैं बॉडी बनाना शुरू किया। इंग्लिश मुझे सीखना था तो इंग्लिश के बारे में जो भी किताबें थी मैं पढ़ता था। तो ऐसे हर चीज़ में मुझे कैसे कपड़ा पहनना है यह नहीं मालूम था, तो मैं अच्छे अच्छे लोग जिनसे मैं इंप्रेस होता था उनके कपड़े देख के सोचता था कि इन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, कॉटन के सिंथेटिक के, कौन से कलर के पहने हैं, कौन से स्टाइल के पहने हैं, ताकि वो अच्छे लगते हैं। तो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो मेरी जर्नी चेक एंड चेंज वाली रही। दोस्तों आपको भी यही करना है, आपको चेक एंड चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करनी है। अब नरेंद्र मोदी की लाइफ आपको अच्छी लगती है तो देखिए नरेंद्र मोदी कैसी लाइफ जीते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो देखिए उसके जितने भी अच्छे पॉइंट है वो अपने अंदर डाल दीजिए आप, ऐसा आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है। क्योंकि लाइफस्टाइल बन जाती है हमारा गुस्सा वाला नेचर, एग्रेसिव नेचर हमारा लाइफस्टाइल बन जाती है। तो हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में मैं आपको एक बताऊँ, ईटिंग हैबिट आप चेंज करिए। हमारे तीन टाइप के फूड होते हैं, तामसी, राजसी एंड सात्विक। हमें क्या करना है कि सात्विक फूड ज़्यादा खाना है, तामसी और राजसी कम खाना है। खास करके तामसी फूड को अवॉइड करना है, तीखा, तमतमता और वो फ्राइड फूड, ये तामसी फूड होता है। और सात्विक फूड यानी बॉयल किया हुआ कच्चा नेचुरल वेजिटेबल फूड, इसको कहते हैं सात्विक फूड। जितना आप सात्विक फूड खाओगे ना इतना आपका एंगर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तामसी फूड वाले को ज़्यादा गुस्सा आता है। स्लीपिंग हैबिट के ऊपर भी डिपेंड है। रात को आपने अच्छी नींद किया ना तो दूसरे दिन आपको गुस्सा कम आएगा, और जिस दिन आपकी नींद कम हुई ना तो सबके ऊपर चिढ़ोगे, जो भी हाथ में आया उसको पकड़ के गुस्सा करना शुरू कर दोगे। आपको स्लीपिंग हैबिट अच्छी बनानी है, रेगुलर नींद करनी है, 8-8 घंटे तक का जो आपका स्लीपिंग साइकिल है वो अच्छा होना चाहिए। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं ना उनको गुस्से का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये आपका एक्सेलरेट करता है। अगर आप स्मोकर है और अल्कोहल लेते हैं तो इसको बंद करिए, क्योंकि वो चालू रखोगे तो आपको गुस्सा मैनेज करने में तकलीफ होगी। और देखा गया है कि जब अल्कोहल वाले अल्कोहल के असर में गुस्सा करते हैं तो उसको अक्ल नहीं रहती, वो क्या नुकसान कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, मगर वो टाइम पे तो इतना हाई रहते हैं कि उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं खुद का और दूसरे का। एक और काम करना है, अपने एनवायरमेंट को चेंज करना है, क्योंकि कुछ एनवायरमेंट ऐसा रहता है जो आपको गुस्सा करने में मदद करते हैं और कुछ गुस्सा शांत करने में करते हैं। ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कॉम्पैक्ट, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको देखिए देश में रिवॉल्यूशन लाना है ना तो बंगले वाले को जाके बोलो लाठी लेके बाहर निकलो, वो नहीं निकलेंगे, वो डिकम्प्रेस रहते हैं। झोपड़पट्टी में जाओ, स्लम में जाके बोलो चलो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इनकलाब करना है, तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनका गुस्से का टॉलरेंस बहुत कम रहता है, फटाक से बाहर आ जाएंगे। मेंटल एनवायरनमेंट भी रहता है, जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना तो आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जब आप शांति से जीते आप स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेते हैं तो आपका गुस्सा इजीली शांत हो जाता है। सोशल एनवायरनमेंट जो एरिया में रहते हैं उसके भी इफेक्ट होती है। गुंडागिर्दी वाले झगड़े वाले एरिया में रहोगे तो आपका भी नेचर ऐसा बन जाएगा। मुझे याद है मैं छोटा था राजकोट में, तब ऐसे एरिया में रहता था जहाँ गुंडा लोगों का राज था। हमारा एरिया का गुंडा सबसे ज़्यादा पूरे सौराष्ट्र में फेमस था। कहने का मतलब है कि वो एनवायरनमेंट की वजह से मेरी भी आदत हो गई कि मैं ज़्यादा गुस्सा करूँ। बाद में मैं राजकोट छोड़ के बम्बई आया, अहमदाबाद आया, तो धीरे धीरे मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो मेरा गुस्से का प्रॉब्लम धीरे धीरे अच्छा हो गया। वर्क एनवायरनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में जॉब करता था तो मेरे बॉस थे
वो मेरे को बिना कारण के इरिटेट करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब बॉस को तो मैं क्या करूं, मैंने नौकरी छोड़ दी, तब से मेरा गुस्से का प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो गया, क्योंकि बॉस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप नौकरी करते हैं तो आपको मालूम है हाँ जी करना पड़ता है, और वो इरिटेट करे तो आप क्या करोगे। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ भी हो वहाँ चेंज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट भी हमारे वहाँ होता है। एनवायरनमेंट चेंज करने से आपको गुस्सा मैनेज करने में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, पार्ट टू में मैंने आपको ये बताया कि हम गुस्से को कैसे मैनेज करें। फिर से याद दिला दूँ, गुस्सा आने के पहले, गुस्सा चल रहा है तब, और गुस्से के बाद बहुत कुछ अभी आपको सीखना है। पार्ट थ्री में जाइए और आगे का देखिए कि अभी आगे आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट।